मुजफ्फरगढ़ में तीन बहनों का कत्ल, बड़े भाई ने बहनों के कत्ल का एतराफ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी में रिहायशी क्वार्टर से तीन बहनों की लाश मिलने के वाकये में अहम पेशरफ्त हुई है। तीन सगी बहनों का कातिल उनका बड़ा ही भाई ही निकला। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बहनों के कत्ल का एतराफ कर लिया। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि जदीद तरीका इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम की शनाख्त बासित के नाम से हुई। मुलजिम बहाने से बहनों को करीबी खाली रिहायशी क्वार्टर में ले गया और छुरी के वार से उनको कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों बहनों की लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। डीपीओ हुसनैन हैदर के मुताबिक मुलजिम ने बहनों की गुमशुदगी की इत्तला भी खुद ही पुलिस को दी थी। मुलजिम के हाथ पर जख्म देखकर इस पर हुआ। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि वालिदैन बहनों से ज्यादा प्यार करते थे, पबजी के बाइस कत्ल में आसानी हुई। याद रहे कि 7 साल फातिमा, 8 साल जोहरा और 11 साल अरीशा को कत्ल किया गया था। जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुजफ्फरगढ़ थर्मल कॉलोनी से तीन कमसिन बहनों की लाशें बरामद होने के वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीडीजी खान से रिपोर्ट तलब की थी। आईजी की हिदायत पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर ने जाय वारदात का दौरा किया और शवाहिद का जायजा लिया। आईजी पंजाब ने वाकये की हर पहलू से तफ्तीश और दस्तियाब शवाहिद की मदद से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उस्मान अनवर ने हिदायत की कि वाकये की असल हकायक सामने लाए जाएं और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने तांदलियावाला में फायरिंग से तीन अफराद की हलाकत के वाकये का नोटिस भी लिया।